सुरक्षा द्वारा जनपद में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बेलीबार थाने की पुलिस ने 1 क्विंटल 15 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 2 अभियुक्त दीपक कुमार व राहुल प्रसाद को गिरफ्तार किया है। दोनों ही अभियुक्त कुशीनगर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने इनके पास से 1 टाटा योद्धा पिकअप और कई मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, कल एसटीएफ के पास एक सूचना थी जिसके आधार पर इंस्पेक्टर बेलीपार और उनकी टीम तथा एसटीएफ की टीम गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पे चेकिंग कर रहे थे। बेलीपार के पास एक गाड़ी टाटा योद्धा जिसमें कद्दू, लौकी, नारियल, तरबूज ये सब लदा हुआ था, उस गाड़ी को जब इन लोगों ने मुखबिर की सूचना पर रोका तो ज्ञात हुआ कि इसमें गांजा भी छिपा के ले जाया जा रहा है। तत्काल एक राजपत्रित अधिकारी के रूप में सीओ खजनी को भेजा गया, क्योंकि सीओ बासगांव वीआईपी ड्यूटी में थे। उनके सामने जब इस गाड़ी की तलाशी हुई तो सब्जी जो मैंने आपसे बताया कि कद्दू, तरबूज, नारियल के बीच में 83 पैकेट 1 केजी के और 16 पैकेट 2 केजी के गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 1 क्विंटल 1500 ग्राम। 2 व्यक्ति पकड़े गए, दीपक कुमार और राहुल प्रसाद, दोनों कुशीनगर के हैं, और वो गाड़ी पुलिस कब्जे में ली गई जिसमें ये मादक पदार्थ छिपा के ले जाया जा रहा था। पूछताछ में ये पता चला कि इस पूरे गेम का जो सरगना है वो मिंटू है, ये भी कुशीनगर का है और वही ये गांजा मंगाता है, उसी के नाते ये लेकर के जा रहे थे। वस्तुतः ये दोनों तो उसके कारिंदे, हमारे पूछताछ के आधार पर मिंटू भी हमारा वांछित है, अति शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूरा करके इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आज हम